ऑलराइट गाइस, आई एम सेजर बैक विद अनदर वीडियो। टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। एंड गाइस, टू द पॉइंट ही बात करूंगा मैं। तो द क्वेश्चन इज, कैन वी यूज सिम ऑन बाईपास आईफोन? वेल, टेक्निकली येस, इसका आंसर येस ही है। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि अगर आपने आईक्लाउड बाईपास आईफोन में सिम यूज करनी है तो आप किस तरह यूज कर सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो गाइस, एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये वीडियो इस वजह से लेट हो गया बिकॉज मैं इस टॉपिक पर काफी टाइम से रिसर्च कर रहा था और अब जाके मेरी रिसर्च कंप्लीट हुई है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो अपलोड थोड़ी लेट किया है बिकॉज मैं आपको ओरिजिनल और ऑथेंटिक ही नॉलेज देना चाहता हूँ अबाउट आईफोन्स। तो गाइस, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं क्या आप कौन से आईफोन में सिम यूज कर सकते हैं। वेल गाइस, टेक्निकली दो टाइप्स के आईफोन होते हैं, एक होता है ग्लोबल आईफोन और एक होता है GSM आईफोन। तो आपको कैसे पता चलेगा जो आपका आईफोन है वो ग्लोबल है या GSM है? इट्स वेरी मच सिंपल एंड ईजी। ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट नीड टू ओपन दी यू नो फोन डायलर और यहाँ पे आपने डायल करना है *#06#। और जब आप यहाँ पे डायल ये करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा IMEI नंबर। तो गाइस, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ IMEI नंबर लिखा आ रहा है और कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है। दैट्स मीन कि ये जो आईफोन है ये GSM में है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा दूसरा आईफोन, सो यू जस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो गाइस, ये मेरा दूसरा आईफोन है। वेल, ये बाईपास तो नहीं है, खैर ये फैक्ट्री अनलॉक्ड आईफोन है। बट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि GSM और ग्लोबल में क्या डिफरेंस होता है और आपको किस तरह पता चलेगा। तो यहाँ पे भी हमने फोन डायलर पे जाके जस्ट ऐड करना है *#06#। और यहाँ पे आप देख सकते हैं IMEI के साथ कुछ और भी मेंशन हुआ है जो कि है MEID नंबर। दैट्स मीन ये जो मॉडल है ये ग्लोबल मॉडल है और ये डिफरेंस होता है ग्लोबल मॉडल में और GSM मॉडल में। जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था वो GSM मॉडल था, उसमें सिर्फ और सिर्फ IMEI थी और यहाँ पे हमारे पास MEID नंबर भी आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो गाइस, अगर आप iCloud बाईपास करना चाहते हैं आईफोन्स को तो देर आर टू वेज टू बाईपास आईफोन, जिसको हम कहते हैं अनथेटेड वे और थेटेड वे। थोड़ी बहुत टेक्निकली नॉलेज है इस वीडियो में लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट वे से समझा सकूं। तो गाइस, इस पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को iCloud बाईपास के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप लोग मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं, काफी वीडियोस बना के रखी हुई मैंने इस टॉपिक पर। तो इफ यू डोंट नो अबाउट iCloud बाईपास यू कैन वॉच दोज वीडियोस। तो गाइस, हम बात कर रहे थे थेटेड वर्सेस अनथेटेड बाईपास के बारे में। तो जो थेटेड बाईपास होता है सिंपलेस्ट वे में आपको बताता हूँ, वो वाला बाईपास होता है जिसमें सिम नहीं चलती, और जो अनथेटेड बाईपास होता है उसमें सिम चल सकती है। अब डिफरेंस क्या दोनों में, वही डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि थेटेड बाईपास जो होता है वो फ्री होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसको फ्री कर सकते हैं। एंड देयर आर एक्चुअली लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, तो आप उसकी हेल्प से भी इसको कर सकते हैं अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है। अब इसे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। और ये जो आईफोन 7 देख रहे हैं इसमें iCloud बाईपास ही हुआ है लेकिन वो थेटेड है। लेकिन जैसा कि आपने शुरू में वीडियो में देख लिया होगा, ये मेरे पास जो है वो GSM मॉडल में है। दैट्स मीन कि इसमें मैं सिम भी चला सकता हूँ, हो सकता है फ्यूचर में मैं इसको जो है बाईपास करवा भी लूँ अनथेटेड। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि अगर आपका जो फ़ोन है वो GSM है तब ही उसमें अनथेटेड बाईपास होगा, यानी कि उसमें तभी सिम चलेगी। अगर वो GSM नहीं है यानी कि ग्लोबल है, उसमें MEID नंबर शो हो रहा है, दैट्स मीन उसमें जो है अभी फिलहाल वाले आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो सिम नहीं चलेगी, लेकिन फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं उसमें भी कोई ना कोई जुगाड़ आ जाएगा। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं अनथेटेड बाईपास के बारे में। तो जो अनथेटेड बाईपास में सबसे बड़ा आपको एडवांटेज मिलता है वो ये है कि आप इसमें जो है वो सिम चला सकते हैं। इससे पहले कोई भी iCloud बाईपास में सिम नहीं चलती थी, और इसके अलावा आप लोग इसमें iCloud भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे सुपर कूल। तो गाइस, आप iCloud भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें फेस टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपका जो आईफोन है वो ऐसा ही होगा जैसा कि एक फैक्ट्री अनलॉक एक आम आईफोन होता है, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, विच इज आई गेस रियली बैड थिंग। अगर आप उसको अपडेट करते हैं तो वो दोबारा ही iCloud पर चला जाएगा। तो मेक श्योर कि अगर आप अनथेटेड भी बाईपास करवा रहे हैं तो आपने उसको अपडेट नहीं करना, अदरवाइज आपका फोन ऐसा ही होगा जैसा कि एक नॉर्मल आईफोन होता है और उसमें प्रॉपरली सब वही चीज़ें चलेंगी जो कि कोई भी आईफोन में चलती हैं। बट मेक श्योर आपने उसको अपडेट नहीं करना, विच इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप उसको अपडेट करते हैं तो वो जो आईफोन है वो दोबारा यू नो iCloud पर चला जाएगा और आपको दोबारा बाईपास करवाना पड़ जाएगा उसको। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के अबाउट दोस यू नो मेथड। बट इस पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक या आप लोग इन जनरल मेरे से सजेशन लेना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई इंस्टाग्राम, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी देयर एज वेल। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या सजेशन है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, एज अर्ली एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा।
तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, अगर आप अनथ्रेडेड बाईपास करवा लेते हैं तो क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मिलेंगे आपको। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, तो जो सबसे पहला एडवांटेज है, यू कैन यूज सिम ऑन इट एंड यू कैन ऑल्सो यूज आई क्लाउड विच इज सुपर कूल। इससे पहले इसमें आई क्लाउड नहीं चलता था, जस्ट एपल आई डी चलती थी, और इससे पहले जितनी भी प्रॉब्लम थी आई क्लाउड बाईपास में, लाइक रीबूट का इशू होता था अगर आपका जो फोन है वो अनफॉर्चुनेटली रीस्टार्ट हो गया या ऑफ हो गया गलती से, तो वो दोबारा आई क्लाउड पर चला जाता था। ये भी फिक्स हो चुका हुआ इस अनथ्रेडेड बाईपास मेथड से, और भी जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सारी ही फिक्स हो चुकी है, लाइक नोटिफिकेशन की और स्क्रीनशॉट की। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो गाइस सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये कि आप इसको अपडेट नहीं कर सकते, ये जो मोबाइल है ये उसी सॉफ्टवेयर पे होगा जिस पर ये आपने यूज किया। इसके बाद अगर कोई भी लेटेस्ट iOS होता है, लाइक iOS 14, iOS 15, जो भी लेटेस्ट आता है उसको आप नहीं अपडेट कर सकते। एंड गाइस मूव टू द नेक्स्ट डिसएडवांटेज दैट वी हैव ऑन अनथ्रेडेड बाईपास, इसके ये थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू द थ्रेडेड वे, और अभी ये रिसेंटली मार्केट में आया है तो इस वजह से ये थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है। हो सकता है फ्यूचर में इसके प्राइस जो है वो काफी लेस हो जाए, बट अभी जब मैंने iPhone 7 का प्राइस पता किए थे तो इट्स अबाउट 7000 के करीब करीब ही था ये, और डेवलपर्स से मैंने डायरेक्टली पता किए थे, तो थोड़े बहुत लेस भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत इंक्रीज भी हो सकते हैं अगर आप नेगोशिएट करवाते हैं तो ये iPhone 7 के प्राइस से, बट डिपेंड करता है आपके मॉडल पे, अगर आपका iPhone X है या iPhone 8 Plus है या 8 है तो प्राइस जो है वो डिफरेंट ऑफ कोर्स हो सकते हैं। तो गाइज ये मेरी वीडियो थी अबाउट यूजिंग सिम ऑन बाईपास iPhone, तो गाइज आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन Instagram, एज अर्ली एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप और भी फ्यूचर में इंफॉर्मेटिव और ऑथेंटिक नॉलेज चाहते हैं अबाउट iPhones, तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर दिस वीडियो।